आप लोगों ने तनोट माता के मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास है। इस मंदिर में 1965 में पाकिस्तानी सेना ने करीब 3000 बम और गोले गिराए थे, लेकिन एक भी बम इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जी हां, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान करीब 450 बम इस मंदिर के पास गिरे, मगर वो भी सब बेअसर। इन तमाम बमों को मंदिर परिसर में एक म्यूजियम में भी रखा गया है। ऐसा ही एक और मंदिर है जिससे एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ये मंदिर है बनासकांठा के नाडेश्वरी माता का मंदिर। इस मंदिर में आम लोग तो जाते ही हैं, लेकिन साथ साथ बीएसएफ जवान इस मंदिर पर माथा टेकने के बाद ही अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ये माता खुद हर जवान की रक्षा करती है। नाडेश्वरी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा के बॉर्डर पर बना है। दरअसल पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था, एक छोटा सा माँ का स्थान था, लेकिन 1971 में युद्ध के बाद उस वक्त कमांडेंट ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की खास बात ये है कि बीएसएफ का एक जवान यहाँ पुजारी के तौर पर ड्यूटी करता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से ये कहानी भी जुड़ी हुई है कि एक बार कमांडेंट ने माँ नाडेश्वरी से मदद की गुहार लगाई थी। दरअसल भारतीय सेना के कई जवान पाकिस्तान की सीमा में गलती से प्रवेश कर गए थे और उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब कमांडेंट ने माडेश्वरी से मदद की गुहार लगाई और माता के सामने जल रहे दीपक ने इशारे से कमांडेंट को रास्ता बताया। जी हाँ, इस बात का दावा मंदिर के ट्रस्टी खेंगा भाई सोलंकी भी खुद करते हैं। खेंगा भाई सोलंकी का कहना है कि 1971 में जब जवान अपना रास्ता भटक गए थे, तब माँ ने ही उनकी रक्षा की थी और उन्हें रास्ता बताया था। अपनी आस्था की वजह से ही जवान दुश्मनों के इलाके से सुरक्षित लौट आए थे। बता दें कि मंदिर का निर्माण अब किया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि पहले यहाँ पर सिर्फ एक माता की मूर्ति थी। ये मूर्ति बीएसएफ जवानों के लिए केवल मूर्ति नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। बीएसएफ जवान इस मंदिर पर बेहद आस्था रखते हैं, साथ ही साथ मां नाडेश्वरी में अपनी श्रद्धा रखते हैं। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।